सुनील जी, कौन सा फोन है और इसमें क्या प्रॉब्लम था, कैसे बनाया आपने? सर ये रेडमी का K20 Pro मॉडल है। ओके। इसमें चार्जिंग का इशू था, ये चार्ज नहीं होता था। फोन ऑन था, कस्टमर लेके आया था ये, और काफ़ी जगह रिपेयर भी करवा चुका था ऑलरेडी, जी। बट ये चार्जिंग नहीं चली इसकी किसी से भी, इवन मुझसे भी नहीं चली जब मैं यहाँ नहीं आया था, तो मैं ये साथ लेके आया हूँ फोन। तो इसमें हमने डायग्नोज करके देखा है कि इसकी वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रही थी। वोल्टेज बूस्ट हाँ नहीं हो जी, रही थी विद द हेल्प ऑफ सीमेटिक। जी। और ये जैसे ये चार्जिंग आईसी का सीमेटिक है, हाँ, तो इस पे यहाँ पे जाके इससे C5404 के नाम का जो कैपेसिटर है, यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रही थी। बूस्ट नहीं हो रही थी, हाँ, ये आउटपुट नहीं निकाल रहा अब था चार्ज फोन सही हो रहा। जी। बिल्कुल, ये देखिए सर, ये VOC केबल से सपोर्टेड है, इसलिए ये 9 वोल्ट तक इंक्रीज हो जाता वेरी है, गुड। 2 एम्पेयर तक ले रहा है चार्जिंग। और ये यहाँ पे बैटरी देख सकते परसेंटेज बढ़ गया। हैं जी सर, अभी 18 थी ये थोड़ी देर पहले। और ये मतलब कि रैपिड चार्जिंग में है पूरा, जिसे वेरी गुड। फास्ट चार्जिंग बोलते हैं वो है ये। ये डोनर बोर्ड है जिससे उतारा है आईसी यहाँ से, दिखाना डोनर बोर्ड कौन सा। ये है सर। ओके, इसे तो ये के आपको बोर्ड आईसी के लिए इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड किया गया, जी सर, यहाँ पे सभी तरह के स्वैपिंग बोर्ड मिल जाते हैं जो मिल हमें जाते इजीली हैं, आईसी चाहिए। मार्केट से आईसी खरीदते हैं तो उस पर ट्रस्ट नहीं होता कि चलेगा भी कि नहीं चलेगा। चलेगा भी हाँ या नहीं जी, चलेगा। लेकिन यहाँ पे सब फ्रेश होता है, तो अपने हाथ से उतारो और लगाओ तो चल ही जाता है तकरीबन चल, सारे। स्वैपिंग डोनर बोर्ड होती है यहाँ पे, सारी वेरायटी है आज सारी। आपका स्कीमेटिक्स का क्लास था और जी चार्जिंग का ही सेक्शन था आज। जी सर चार्जिंग का सेक्शन पढ़ाया गया था। जी शाम को आपको अपने फोन रिपेयर करने का मौका दिया गया, उसमें आपने यही फोन निकाला, इसमें चार्जिंग का ही फॉल्ट था। आज जो पढ़ाया गया था कितना काम में आ गया आपको? सर, ये इसलिए मैंने आज ही चूज़ किया है, बट मेरे पास ये बहुत सारे फ़ोन हैं, ये अलग अलग मॉडल हैं, अलग अलग फॉल्ट में हैं ये, ओके। और ये इस बैग में भी बहुत हैं। एटलीस्ट 23-24 फोन होंगे मेरे पास जो डिफरेंट डिफरेंट, मैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, जैसे आज सर ने चैप्टर कराया हमें ये अपना इसका था चार्जिंग का, तो इसी से रिलेटेड फिर मैंने ये 2-3 फोन निकाले हैं, बट अब लेट हो चुके हैं थोड़ा, पर 2 फोन ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, वेरी गुड, ये है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो। कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए? अभी फिफ्थ सर आज डे है मेरे ख्याल से, पांचवा दिन है। है हाँ ना? जी सर, ब्लैक पेस्टेड और डबल डुअल डेकर। डेकर हाँ जी ये कर लिया, स्कीमेटिक्स चल रहा, फॉल्ट फाइंडिंग चल रहा है अभी। जी जी सर कितने सेटिस्फाइड हो आप यहाँ के? सर यहाँ के पूरा सेटिस्फाइड हूँ मैं जी। पहले भी एक इंस्टीट्यूट गया था, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे थोड़ा टाइम कम देते हैं वो और प्रैक्टिकली बहुत कम करवाते हैं। यहाँ यहाँ पे मैं पे जो भी कुछ कर रहा हूँ अपने सामने कर रहा हूँ, और या फिर सर जो करा के बिल्कुल लाइव ऑन फोन पे होता है जो कुछ भी होता है, और किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सारे मतलब कि ये नहीं है कि डेड फोन पे, आज तक डेड बोर्ड नहीं मिला जी, किसी भी फॉल्ट के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, सब ऑन फोन मिलते हैं, चाहे कोई नेटवर्क से रिलेटेड है चाहे कोई चार्जिंग से। ये तो खैर मैं अपना ही लेके आया था ये आपका खुद का, आपके जी शॉप का ही फोन है। जी 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 क्या कहना चाहते हैं आने वाले स्टूडेंट्स को जो यहाँ आना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा सर कि अगर हैंड स्किल बनानी है तो इससे अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, दिल्ली का ही पता है मेरे को, और दिल्ली में तो नहीं है एटलीस्ट, क्योंकि मैं पहले जब पहले जहाँ गया था वहाँ जाने के लिए भी मैंने 2-4 इंस्टीट्यूट में पता किया था, और उसके बाद भी फिर मैं 2-4 इंस्टीट्यूट में पूछ के फिर यहाँ आया। वेरी गुड। जो मेरे को रेफरेंस दिया है एटलीस्ट 10 जने हैं जो मेरे साथ पिछले बैच में थे वहाँ पे दूसरे इंस्टीट्यूट में, वो भी यहीं से सीख के गए हैं। सारे काम कर रहे हैं, बिल्कुल, वो सब सेटिस्फाइड कर है बोलो। जी जी बहुत दूर दूर के हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब, मेरे हरियाणा से भी है शायद एक दो जी, जी। थैंक यू, बहुत बहुत आपको बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर।